शुभोदय पार्ट दो सच्चा दोस्त। सच्चा दोस्त का मतलब क्या है? हॉनेस्ट फ्रेंड। जैसे इस कहानी में देखिए, एक पेड़ था, उसका नाम क्या था? अमर था। उसका नाम क्या था? अमर था। वे दोनों आपस में बहुत खुश थे। हर रोज अमर उस पेड़ के पास जाता, पेड़ के फल खाता और पेड़ के तन पर चढ़ता, पेड़ की शाखाएं पर झूलता। झूलता का मतलब क्या है? ट्विजिंग। पेड़ की शाखाएं पर झूलता। वे दोनों, पेड़ और अमर दोनों आंख मिचोई खेलते थे। इसलिए खेलने के बाद वे पेड़ के नीचे छाया में सो जाता था। इसलिए वे दोनों, पेड़ और अमर दोनों खुश थे। समय बीतने गया और अमर बड़ा हो गया। नौकरी के तलाश में गांव जाने लगा। उसी समय उसे एक नदी पार नहीं कर पाया, इसलिए अपनी समस्या पेड़ को बताया। पेड़ ने कहा कि मेरी शाखाएं काटकर नाव बना लो। अमर वैसा ही किया। जैसे देखिए, पेड़ से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं? पेड़ से हमें प्राणवायु होते हैं, पेड़ से हमें फल मिलते हैं, पेड़ से हमें फूल भी मिलते हैं। जैसे अमर बड़ा हो गया और उनका शहर से जाने, वापस आने के बाद उसका घर तूफान में टूट गया था। वे पेड़ के पास जाकर, मेरा घर तूफान में गिर गया और टूट गया, पेड़ के पास अपनी समस्याएं बताई। पेड़ ने कहा, मेरी शाखाएं काटकर अपना घर बना लो। अमर वैसा ही किया। एक दिन अमर बूढ़ा हो गया था। उसे सर्दी ज्यादा से हो गई थी। जैसे मुझे ज्यादा से सर्दी हो गया, पेड़ के पास गया। पेड़ ने कहा कि मेरी सूखी लकड़ियां जलाकर अपनी सर्दी भगा दो। अमर ने वैसा ही किया। जैसे दोस्त कैसा होना चाहिए? एक दूसरे के साथ सहायता करना चाहिए। जैसे देखिए, अमर ने जब निर्णय लिया और दुखी हो गया। किस बात की दुखी हो गया अमर ने? जैसे उनके तन शाखाया काट कर दुखी है। उसने, पेड़ ने अपनी सच्ची दोस्ती निभाई, अमर ने सच्ची दोस्ती नहीं निभाई। उसी दिन से अमर ने क्या किया था? एक नया पेड़ खरीद कर और लगाने का निर्णय लिया। इसीलिए दोस्त कैसा होना चाहिए? एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे का मदद करना चाहिए। तो आज हमारा पाठ क्या है? सच्चा दोस्त। धन्यवाद।